वैसे हम सब मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अपनी आपकी जो आपकी क्लोजिट है और साथ में वैनिटी है ना, उसका हमें टूर करवाएं। तो वीडियो हाजिर है, क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी वो कुछ मंथ पहले डाली हुई है और मेरी वैनिटी और क्लोजिट थोड़े सेपरेट थे, अब एक ही रूम में आ गए हैं। और साथ ही हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, उस मैं क्लोजेट से स्टार्ट करूंगी या उस कबर्ड से स्टार्ट करूंगी जो हमारी शादी से पहले थी। ईयर आपको नजर आ जाएगा कौन से ईयर में ये बाय की थी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू उस टाइम बाहर होते थे और आज से इतने साल पहले अपनी मतलब सेपरेट कबर्ड होना ये भी बहुत बड़ी बात थी। इसमें 3 ईयर जो ड्रावर आपको नजर आ रहा है ना, इसमें हम तीनों सिस्टर्स के ना सेपरेट सेपरेट कपड़े होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है, मैं रब का जितना शुक्र अदा करूं ना आज कम है कि जिसने आज इस तादाद में कपड़े दिए। हमारे 3 अब देखे खाने होते थे और उसमें हार्डली 4-5-6 जो है वो इस तरह ड्रेसेस होते थे। करोड़ बार रब का उस टाइम भी शुक्र था। और आज मैं एंड पे ना आपको इसका एक राज भी बताऊंगी, ठीक है। और आज ये सारी क्लोजेट है। अच्छा, मैं उससे पहले ना आपको वो क्लोजेट दिखाती हूँ जो हमारे बेडरूम में, मतलब मेरी छोटी सी वैनिटी और ये वाली जो क्लोजेट आप देख रहे हैं ना, ये मेरे बेडरूम के साथ अटैच्ड है वॉशरूम के साथ, मैंने होम टूर वीडियो में आपको बताया था। अच्छा, जब इसके ये 3 वाले जो हैं पोर्शंस हम या केबन्स या कुछ भी आपके ओपन करते हैं इनका डोर, तो एक साइड के ऊपर मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, हाफ हमने डिवाइड किए हैं, और एक साइड के ऊपर टॉवल्स हैं, इनके टी शर्ट्स मतलब इस तरह के हैं जो फोल्ड हुए हुए थे। मेरे जो है क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है इसलिए उस वाले कपड़े में थोड़े से कम है, जो कैजुअल यूज होते हैं बस वही रखे हुए हैं। उसके बाद नीचे थोड़ी सी मतलब चादरें हैं, लेफ्ट साइड पे हमारे कैजुअल डेली मतलब यूज के जो शूज है ना वो सिर्फ है, बाकी जो शूज हैं वो असल में हमारे बाहर एक कबर्ड बनी हुई है उसके अंदर होते हैं सारे शूज रखे हुए। तो और राइट साइड पे मेरी वैनिटी है, आप लोग देख सकते हैं, जो हम डेली मतलब स्किन केयर की कोई ऐसी खास उसमें नहीं होती चीज, फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइजर, परफ्यूम्स, बॉडी मिस्ट वगैरह ज्यादा यूज होते हैं, बस ये चीजें यूज होती है। बट वीडियो आज बनाने का जो मेन मकसद था ना वो ये था कि मैंने आप लोगों से ये ऑर्गेनाइजर्स भी शेयर करने थे जो मेरे बच्चों की कबर्ड में बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं और मेरी अपनी कबर्ड में बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, या मेरी इस वाले जो आप ये वॉक इन क्लोजेट वाला जो मेरा मतलब एक सिस्टम बना हुआ है ना ये आप देख रहे हैं, तो इसमें भी ये वाले जो मतलब ऑर्गेनाइजर्स लगे हुए हैं या कुछ है, तो आप लोग वो भी इस पेज से बाय कर सकते हो। उसका मैं लिंक लगाऊंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वही पेज है जिसका आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत पूछते हो क्या ये वो ऑर्गेनाइजर कहाँ से आया था जिसमें सॉक्स आप रखती हैं या ये वो सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, ये वही पेज है जिसकी मैंने आप लोगों के साथ एक और वीडियो भी शेयर की थी, जिनसे मैंने जनाब ऑर्डर करके मंगवाई थी एक बहुत ही पावरफुल मशीन, स्मार्ट टेक मैंने मंगवाई थी जो कि 700 वॉट्स के साथ है, ठीक है। अच्छा, इस एक स्मार्ट टेक में आपको ब्लेंडर मिलता है, आपको हैंड ब्लेंडर जो मिल रहा है उसके साथ आपको मिलता है, चॉपर मिलता है, साथ में बीटर मिलता है, और इसे आप मल्टीपर्पज मतलब अगर ये आपके पास है तो आप किचन का सारा काम आराम से कर सकते हो। मेन जिन हमारा काम होता है सबसे पहले जो आप मुझे अच्छा लगता है ना वो इसमें ये चॉपर है, जिसके अंदर जो इसका चॉप करता है ना वो नाइफ्स है, मतलब चाकू वाले या हम छुरी जो तेज वाले यूज करते हैं ना वो वाला। इससे फ्यू सेकेंड्स में इतना जबरदस्त कीमा होता है और कीमा भी इतना बारीक और फाइन होता है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मेरा ये सबसे मोस्ट फेवरेट है, चाहे आपका मटन है चाहे चिकन है, फौरन से आपने कीमा बनाना है, आपने जो भी डिश ट्राई करनी हो ना आप कर सकते हो। सेकंड नंबर के ऊपर प्याज, जब आप लोगों ने अनियन टोमेटो कुछ भी अगर आपने चॉप करने है ना तो बिल्कुल हाथों को यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें 2 स्पीड सेटिंग्स हैं, आप लोग कम ज्यादा पे कर सकते हो, आप लोग प्याज चॉप करो, आप लोग टोमेटो करो, सुबह 2 सेकंड लगते हैं इससे, मतलब किचन का काम आप लोगों का बहुत आसान हो जाएगा। बल्कि मैं आपको थोड़ी सी इसकी वॉइस सुनवाती हूँ। और मैं साथ ही बता दूं कि लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्राइस वगैरह आपने वहां से जाके देखनी है और वहीं से ऑर्डर करना है, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा सेल्स भी चल रही होती हैं। और अभी तो मैंने इसकी वॉइस स्लो की हुई है, मतलब फ्यू सेकंड्स में आपके किचन के काम हो जाते हैं। अच्छा, मेरी तरह अगर आप लोगों ने मतलब सुबह ऑमलेट वगैरह नहीं खाते, आप लोगों ने स्मूदी पीनी है, तो आप लोग आराम से इसके साथ ब्लेंडर जल दिया गया है, आप लोग अपनी मर्जी के फ्रूट्स उसी टाइम फ्यू सेकंड्स में ना मतलब कर लें। अच्छा, मुझे ना ये बहुत ज्यादा इसमें ना काम करना आसान लगता है। और उसी हैंड ब्लेंडर के साथ आप हलीम बनाएं या आप लोगों ने किसी तरह भी कोई बेकिंग करनी है ना, तो बीटर इसका बहुत ही जबरदस्त काम करता है, आप लोग उसे यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें कहाँ से मिलेंगी, लिंक्स और नंबर आपको नजर आ गए होंगे। मुझे जो मसला होता था ना वो हलीम के लिए होता था, तो वो हैंड बीटर जो है ना ये आपका मसला हल कर देगा, मतलब हलीम बनाए जो मर्जी करें। अब आते हैं जनाब मेरी इस क्लोजेट की तरफ।
अच्छा, इसके पीछे भी एक स्टोरी ये है कि मैं क्योंकि लास्ट ईयर जो है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव थी, आपके लिए इंस्पायर्ड लुक्स बनाती थी, करती थी मेकअप वगैरह, तो मेरे पास टू रूम्स थे, एक में ये वैनिटी थी और बाकी ये सारे कपड़े ड्रेसेस बहुत ज्यादा थे उस टाइम तो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने बहुत ज्यादा इसमें दे भी दी है, लेकिन अभी कुछ इसमें ड्रेसेस ऐसे हैं कुछ जरूरत के लिए रखे हुए हैं, जाहिर उनकी जरूरत पड़ जाती है दोबारा काम करना होता है, और कुछ जो है ना वो कहते हैं ना दिल्ली मतलब उनके साथ अटैचमेंट होती है, कुछ यादें होती हैं कुछ कपड़ों के साथ, वो भी इसी रूम में है। अभी इसकी हालत थोड़ी सी आपको ऐसी नजर आ रही है, बट क्योंकि मैंने परसों वीडियो बनाई थी तो उसके लिए मैं अरेंज नहीं कर सकी इसको, बट आज कल में हो जाएगी। अच्छा, ये जाहिर वैनिटी पहले उस दूसरे रूम में होती थी और क्लोजेट यहाँ पे होती थी, तो मेरा इधर उधर आना जाना बस यही लगा हुआ होता था, लेकिन अब एक ही रूम में है तो बड़ी वो भी मुझे आसानी हो गई है। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं कि शायद मेरे इंस्टाग्राम के जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो उन्होंने ये चीज नोटिस भी की हो कि मैं ना बहुत कम जो है वो शॉपिंग करती हूँ, बहुत कम इस तरह के कोई व्लॉग्स आते हैं और मैं ड्रेसेस के ऊपर पैसे नहीं लगाती। पैसे मैं लगाती हूँ अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो लगाने का मतलब होता है मैं सेविंग साइड के ऊपर या आगे बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्ट करती हूँ रादर देन कि उसको स्पेंडिंग आपके या स्पेशली कोई ब्रांड्स वगैरह का। पहले मुझे था, अब नहीं है, पहले एक था कि मेरे पास उस ब्रांड का भी ड्रेस हो, इसका भी हो, इसका भी हो, अब इतना नहीं है। तो ये वाले ज्यादा ड्रेसेस जो आप लोग जहाँ पे देख रहे हैं वो ज्यादा पी आर्स में ही आए हुए हैं मुझे, मतलब जो कंपनीज भेजती हैं या जो पेजेस बिजनेस कर रहे हैं ऑनलाइन वो। और बाकी आई होप सो कि छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ज़ारास के जो लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, आप लोगों ने ऑर्गेनाइजर्स लेने हो, आप लोगों ने होम डेकोरेशन का कोई आइटम लेना हो, ऑनलाइन ऑर्डर करना हो तो कोई मसला नहीं है। इनके पेज के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑफर्स चल रही होती हैं, ठीक है, प्राइसेस कम भी हो रही होती हैं, और जैसे अभी 14th अगस्त को बहुत ज्यादा प्राइसेस जो थी वो कम की गई थी ईयरली, वैसे भी ठीक है। पेज का मैं लिंक लगा रही हूँ, आप लोग जरूर फॉलो करके रखें, और बिल्कुल तसल्ली से इनकी पैकिंग बहुत अच्छी करके ये ऑनलाइन ठीक है चीजें भेजते हैं, तो बिल्कुल मेरी तसल्ली से मेरी रिकमेंडेशन पे आप लोग ना पेज से जरूर जो है फॉलो कर लें, फिर आपको कोई चीज अच्छी लगी तो ऑर्डर करें, और मेरी पसंद पे बेशक चाहे तो स्मार्ट टैग को ऑर्डर कर लें, बहुत अच्छी चीज है, घर में सबके पास होनी चाहिए, सब लेडीज के पास, क्योंकि ये आपके काम को ना बहुत आसान कर देती है और टाइम की बहुत बचत हो जाती है। उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।